हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोल्डन सिल्वर बुलिन हियर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ, आज हम पहली बार अपने चैनल में एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं और कंपेयर करेंगे हम आज इंडिया के तीन टॉप ब्रांड्स को, जो है MMTC पैम, सेफ गोल्ड और BRPL। ये हमारे वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स है इंडिया के बुलियन मार्केट में अभी के लिए। तो हम आज इन ब्रांड्स के 50 ग्राम सिल्वर बार को कंपेयर करेंगे और जज करेंगे बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स कि ये कितने रेट करते हैं। तो आज हम इनको जज करेंगे प्योरिटी के हिसाब से, सर्टिकार्ड क्वालिटी, सिक्योरिटी फीचर्स, प्राइस, वेट टॉलरेंस और इसका डिज़ाइन। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो है कंपैरिजन वीडियो MMTC पैम वर्सेस सेफ गोल्ड वर्सेस BRPL फॉर 50 ग्राम सिल्वर बार। और इस वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे कि एंड में विनर कौन आता है फॉर 50 ग्राम सिल्वर बार। तो हम शुरू करते हैं MMTC पैम से और हमारा पहला पैरामीटर रहेगा प्योरिटी। तो हम प्योरिटी को जज करेंगे और उस में देखेंगे कि MMTC पैम को हम कितना रेट करते हैं। अगर हम प्योरिटी की बात करें तो इस बार का प्योरिटी है 999.9, यानी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। तो इसके लिए MMTC पैम के लिए हम देंगे 5 पॉइंट्स। मैक्सिमम पॉइंट मिलता है प्योरिटी के लिए फॉर MMTC पैम। तो आफ्टर MMTC पैम्प अब बारी आती है सेफ गोल्ड की फॉर प्योरिटी। देखते हैं कि MMTC पैम्प को सेफ गोल्ड प्योरिटी में टक्कर दे पाता है कि नहीं। अगर हम सेफ गोल्ड की प्योरिटी की बात करें तो अगेन इट इज 999.9, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। सो इसके लिए प्योरिटी के लिए सेफ गोल्ड को मिलता है 5 पॉइंट्स। अगेन वो अभी रेस पे है MMTC पैम के साथ इन प्योरिटी। तो MMTC पैम और सेफ गोल्ड के बाद अभी बारी आती है BRPL की और अभी हम रेट करेंगे BRPL के सिल्वर बार को फॉर इट्स प्योरिटी और देखेंगे कि ये कितना पॉइंट्स कमाता है फॉर प्योरिटी। अभी वक्त आ गया है BRPL के प्योरिटी को जज करने का और इस सिल्वर बार का प्योरिटी है 999.0। इसके लिए हम प्योरिटी में BRPL को देंगे 4.5 पॉइंट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हो गया है और प्योरिटी में हम लोगों ने देखा कि MMTC पैम्प ने स्कोर किए हैं 5 पॉइंट्स, सेफ गोल्ड ने भी स्कोर किए हैं 5 पॉइंट्स और BRPL थोड़ा सा चूक गए और उनको मिलता है 4.5 पॉइंट्स। तो अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड राउंड के लिए और सेकेंड राउंड में हम सर्टिकार्ड क्वालिटी को जज करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं फिर से MMTC पैम के साथ। और क्वालिटी के लिए MMTC पैम को मिलता है 4.5, क्योंकि ये जो नया सर्टिकार्ड आया है उसमें बार बाहर निकालने पे यहाँ पे वॉइड सिंबल नहीं आएगा, कुछ भी सिंबल नहीं आएगा, जैसे आपको पता लगे कि ये निकाला गया है लेकिन आप एक बार निकालने के बाद इसको फिर से जोड़ नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉइड सिंबल नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं सर्टिकार्ड क्वालिटी को MMTC पैम को रेट करूंगा 4.5। गोल्ड की और सेफ गोल्ड की सर्टिकार्ड क्वालिटी के पैरामीटर्स को जज करने की और इसको हम अभी देखेंगे कि इसको कितना रेटिंग मिलता है। अगर हम सर्टिकार्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका सर्टिकार्ड बहुत सही है, ग्लॉसी फिनिश, और यहाँ पे अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वाइट सिंबल भी आएगा, यानी ये पूरी तरह से टेम्पर्ड प्रूफ है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन सर्टिकार्ड में मुझे एक इशू दिखा, यहाँ पे बार प्लेसमेंट अगर बात करें तो बार
अपोजिट डायरेक्शन या उल्टा प्लेस हुआ है। तो ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से मैं इसको दे रहा हूँ सर्टी कार्ड के लिए 4.5। तो अभी हमारा नेक्स्ट हम रेट करेंगे PRPL की सर्टी कार्ड क्वालिटी की और उसको रेट करेंगे, देखते उसको कितना मिलता है। BRPL के लिए सर्टी कार्ड क्वालिटी के लिए हम अगेन देंगे फोर मैचिंग विद पॉइंट द पार और इसी के साथ दूसरा राउंड ख़त्म होता है। तो दूसरे राउंड के ख़त्म होते ही दूसरे राउंड के लिए MMTC पैम के लिए मिला है फॉर द सर्टी कार्ड क्वालिटी 4.5। सेफ गोल्ड को मिला है 4.5 और BRPL को इसके लिए मिला है 4 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड के लिए और तीसरे राउंड में हम देखेंगे सिक्योरिटी फीचर और विल स्टार्ट विथ MMTC पैम अगेन। तो अगर हम सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो हम सिक्योरिटी फीचर में ढूंढते हैं कि अगर बार में कोई भी नंबर प्रिंटेड हो, जैसे कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर है वो बार पे भी प्रिंटेड है और वो सर्टी कार्ड पे भी प्रिंटेड है, जिसको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी फीचर के लिए हम इसको देंगे पूरे 5 पॉइंट्स। तो अभी सिक्योरिटी फीचर के पैरामीटर जज करेंगे हम सेफ गोल्ड की और देखते हैं कि इसमें वो सिक्योरिटी फीचर जो हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर हम सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो सेफ गोल्ड के बार पे भी हमारा नंबर मिंटेड आता है और सेम सर्टिफिकेट नंबर, प्योरिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सर्टी कार्ड के ऊपर भी है, जिसके वजह से अगेन सिक्योरिटी फीचर के लिए सेफ गोल्ड को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। और अब बारी आती है BRPL की सिक्योरिटी फीचर चेक करने का और उसको रेट करने का, देखते हैं कि हम लोग BRPL को कितना रेट करते हैं फॉर द सिक्योरिटी फीचर। सिक्योरिटी फीचर के लिए BRPL को हम देंगे 3 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे इवन सर्टी कार्ड पे भी नंबर नहीं है और ना ही बार में, तो ये थोड़ा फ्लॉ लगता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए और इसके वजह से सिक्योरिटी फीचर के लिए हम BRPL को रेट कर रहे हैं 3 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी ख़त्म हो गया है और तीसरे राउंड के बाद ये रहा स्कोर आपके स्क्रीन पे। और अभी हम जाएंगे फोर्थ राउंड पे और फोर्थ राउंड पे हम कर रहे हैं प्राइसिंग कि इसका प्राइस कितना है। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे MMTC पैम से और नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। हम हमेशा बात करते हैं MMTC पैम की सुपीरियर क्वालिटी के साथ सुपीरियर प्राइसिंग। मैंने इसको कंपेयर करने के लिए एक दिन सेम डेट का सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस लिस्ट किया, तो जिसमें इसका प्राइस था 4,660 रुपीज़ और ये काफ़ी हाई था कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, और इसलिए हम इसको प्राइसिंग में MMTC पैम को दे रहे हैं 4 पॉइंट्स। एंड आफ्टर MMTC पैम अब बारी आती है सेफ गोल्ड की और उसको रेट करने की इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अगर हम प्राइस की बात करें तो सेफ गोल्ड की 50 ग्राम सिल्वर बार का प्राइस था 4,360 जिस डेट के लिए हमने वो पिक किया था, तो उस हिसाब से इसको मैं MMTC पैम से थोड़ा हाई रखूँगा और इसको मैं दूंगा 4.5 पॉइंट्स। और इसी के साथ अभी हम बढ़ते हैं BRPL की ओर, जो कि मशहूर है बिकॉज ऑफ इट्स प्राइजिंग, और देखते हैं कि वो कितना फेयर करता है हमारे इस पॉइंट रेटिंग सिस्टम में। अगर हम BRPL की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस था 4,170 जिस डेट का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सस्ता है बाकी ब्रांडों से।
एंड अगेन टू कंसिडर कि 999 प्योरिटी है इसका, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइसिंग में आता है तो हम BRPL को प्राइसिंग के लिए देंगे 5 points। इसी के साथ हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है और ये रहे स्कोर्स आपके स्क्रीन पर। अभी हम बढ़ते हैं फिफ्थ राउंड की ओर और फिफ्थ राउंड में हमने रखा है पैरामीटर वेट टॉलरेंस और देखेंगे MMPC पैम का वेट टॉलरेंस में कितना पॉइंट कमाता है। अगर हम वेट टॉलरेंस की बात करें तो आपको पता ही है MMPC पैम का वेट टॉलरेंस हमेशा निल होता है या पॉजिटिव, तो इसलिए इसको बिना कोई हिचकिचाहट हम देंगे 5 points। आफ्टर MMTC पैम इट्स टाइम फॉर सेफ गोल्ड, ताकि हम इसको रिव्यू करें। अगर इस सिल्वर बार की वेट टॉलरेंस की बात की जाए तो अगेन इट इज़ ज़ीरो वेट टॉलरेंस, तो उसके वजह से अगेन सेफ गोल्ड को वेट टॉलरेंस के लिए मिलता है 5 points। सो आफ्टर सेफ गोल्ड इट्स टाइम फॉर PRPL और अभी देखते हैं कि PRPL को वेट टॉलरेंस में कितना पॉइंट्स मिलता है। अगर हम BRPL की वेट टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है प्लस और माइनस 20 mg, यानी नेगेटिव वेट भी आपको मिल सकता है, तो इसके लिए हम इसको रेट करेंगे अ जेनरस 4 points। और इसी के साथ हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है और हम बढ़ते हैं अभी सिक्स्थ राउंड और फाइनल राउंड की ओर, लेकिन उससे पहले एक बार ये रहा अब तक का स्कोर। और फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन डिज़ाइन किसका डिज़ाइन अच्छा है, और फिर से हम शुरू करेंगे MMTC पैम से। अगर हमारे लास्ट पैरामीटर की बात करें जो है डिज़ाइन, डिज़ाइन में तो हमेशा MMTC पैम का अपर एंड रहा है, तो डिज़ाइन के लिए भी अगर आपको ये लोटस डिज़ाइन तो बहुत पसंद होगा ही, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैं डिज़ाइन के लिए भी इसको दूंगा 5 points। और अभी हम डिज़ाइन पैरामीटर जज करेंगे सेफ गोल्ड सिल्वर बार का। अगर हम सेफ गोल्ड की डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आता है पेन एंट्री विच इज़ बेटर, लेकिन अगर MMTC पैम के लोटस डिज़ाइन के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं इसको रेट करूँगा 4.5 points। इसी के साथ अभी ये हमारा लास्ट पैरामीटर जज हो रहा है लास्ट राउंड का BRPL का, और हम BRPL को जज करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से और उसको अभी रेट करेंगे। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आता है BRPL का लोगो डिनोमिनेशन, और पीछे वैसे कुछ खास मेंशन नहीं है, एसेड एंड मिंटेड मैंगलोर रिफाइनरी और इनका लोगो या कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये बार खूबसूरत है, only for that reason we are giving it 4 for design। और इसी के साथ हमारे सारे rounds complete होते हैं और ये रहा final score, और इसके हिसाब से हमारा clear winner है MMTC PAM, और उसके थोड़ा ही पीछे है safe gold, और थोड़ा और margin से पीछे रह गया है PRPL। MMTC पैम का एवरेज स्कोर है 4.75 सारे राउंड्स के बाद। सेफ गोल्ड का फाइनल स्कोर है 4.58 में हमारा BRPL जो स्कोर करता है 4 points आउट ऑफ 5 आफ्टर ऑल द राउंड्स। हमारा क्लियर विनर है MMTC पैम, जिसने स्कोर किया है 4.75 beating both safe gold and PRPL।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे रेटिंग से डिसएग्री करते हैं तो या अग्री करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि कहाँ पे और थोड़ा पॉइंट्स देना चाहिए था ब्रांड्स को या इस प्रोडक्ट को। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस। Bye.